एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट एंड वेल। सो गाइस, आज मैं आपके साथ में एक मीशो हॉल शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपके साथ में मैंने कुछ पैंटीज मंगा रखी है वो शेयर करने वाली हूँ, एंड टू टॉप शेयर करने वाली हूँ, एंड वन मिनी ड्रेस शेयर। वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली एंड टीनेजर फ्रेंडली, क्योंकि इसमें जितने भी प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ, आई थिंक अंडर 300 में आपको मिलने वाले हैं टॉप्स, पैंटीज और मिनी ड्रेस। होने वाला है बहुत ही ज़्यादा छोटू सा, क्योंकि बहुत कम प्रोडक्ट मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो। एंड गाइज, आपको ये मेकअप कैसा लगा? मैंने अभी अभी वीडियो शूट करी है समर मेकअप के लिए, अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। एंड हाँ, ये वीडियो मैं विदाउट रिंग लाइट के शूट कर रही हूँ, और काफ़ी अच्छी लाइटिंग लग रही है ना आपको। सामने एक बल्ब है, और सामने से रोशनी आ रही है, मतलब खिड़की में से। फर्स्ट ड्रेस है ये मिनी ड्रेस, जो कि मैंने क्रिसमस पे मंगाई थी, और जब से मैंने आपके साथ में कोई भी हॉल में ये शेयर नहीं करी, ये मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई कि मेरा मन किया मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँ। आप भी इस समर इस ड्रेस का मज़ा ले पाएँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आप इसका कलर देख सकते हैं, एंड मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा पता है क्या लगा इसमें, कि इसमें ना हम मतलब अपने अकॉर्डिंग, अपनी शोल्डर के अकॉर्डिंग इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसमें ऐसे मतलब हुक लगे हुए हैं, जैसे हमारी ब्रा में आते हैं ना, वैसे स्ट्रैप्स लगे हुए हैं इसमें, और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। और ये ना सिल्वर का है, तो इसमें ऐसे जंग वगैरह लगने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे इन हुक्स की। इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है, एंड इसमें आपको ढेर सारे कलर्स मिल जाएंगे, जैसे कि येलो कलर में था, ब्लू कलर में था, पिंक कलर में, काफ़ी सारे वेरिएंट है। मैं तो आपको कोड प्रोवाइड कर दूँगी, आप मीशो पे जाके चेक कर लेना। इसमें कुछ इस तरीके की लास्टिक लगी हुई है, स्मॉल साइज वाले, मीडियम साइज वाले, एक्स्ट्रा लार्ज साइज वाले भी पहन सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, एंड कुछ इस तरीके का लगता है पहनने के बाद में। इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, जैसे कॉटन और रेयन मिक्स, मुझे कपड़े का नहीं पता, लेकिन ऐसा है कि समर में आप इजीली इसे वेयर कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इसका क्लॉथ है, फैब्रिक काफ़ी अच्छा है, एंड मैंने जो मंगाया था इसको मीडियम साइज़ में मैंने इसको बाय किया था, तो आप इसे बाय कर सकते हैं। गाइज, ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी अगर आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, अगर आप न्यूली मैरिड हैं, अगर आपको ऐसी मिडीज पहनना पसंद है तो आप इसे ज़रूर बाय कर सकते हैं। सो सेकंड मेरी फेवरेट जो कुर्ती है, मैंने अभी बाय करी है, वो ज़्यादा नहीं 10-15 दिन हुए हैं, और इसमें भी मैंने आपके साथ में शॉर्ट्स शेयर किया है। ये मोस्ट फेवरेट, सबसे पहली बात तो मुझे ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, और ब्लैक कलर में अगर वाइट कलर आ जाए तो चार चांद ही लग जाता है। अगर आपको कुर्ता पहनने का मन नहीं है, टॉप टाइप कुर्ता, आप इसे स्मॉल कुर्ता कह सकते हैं, देखो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है पहनने के बाद में। एंड जैसा फैब्रिक इसका है, सेम डिटो इसका फैब्रिक, मतलब दोनों का फैब्रिक एक जैसा है, सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, मतलब स्वेट जो हमें होता है ना समर में, उसको अच्छे से सोक कर लेगा, चिपचिप बिल्कुल भी नहीं करेगा, बहुत अच्छा है इसका फैब्रिक। एंड आप इसकी कढ़ाई देख सकते हो जो नेक पे है, सबसे ज़्यादा प्यारी यही लगती है, और यही इस टॉप के लुक को ब्यूटीफुल और भी ज़्यादा बनाती है। तो और इसमें देखो, सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे ये लगा, ये पॉम पॉम्स लगे हुए हैं इसमें वाइट कलर के, चुन्नटें पड़ी हुई हैं, और भी ज़्यादा मतलब पहनने के बाद में लुक अच्छे से आता, मतलब फिटिंग अच्छे से आती है चुन्नटों की वजह से, और सेम ऐसे ही इसमें पीछे चुन्नटें लगी हुई हैं। मैंने आपसे बोला था ना, सभी आपको अंडर 300 में मिलने वाले हैं, तो ये भी आई थिंक मैंने 248 में लिया था। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मतलब मैं आपसे बता रही हूँ अपना खुद का एक्सपीरियंस, कि काफ़ी अच्छे फैब्रिक मिल जाते हैं मीशो पे, फैब्रिक वाइज गुड, क्वालिटी वाइज गुड, प्राइस वाइज एब्सोल्युटली गुड, और लुकिंग वाइज गुड, सब में गुड है। मैं इसको 10 मार्क्स दूँगी, और इसको भी मैं 10 में से 10 ही मार्क्स दूँगी। सो सेकंड, अब हम भरते हैं अपनी सबसे पुराना टॉप, मतलब जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तब मैंने ये मंगा के रखा था, तब मैंने वीडियो शूट करी थी, लेकिन तब से मुझे अब तक मौका ही नहीं मिल पाया कि मैं आपके साथ में इसको शेयर करूँ। मैंने इसकी मैं वीडियोस तो काफ़ी सारी बनाई हैं इस टॉप में, लेकिन आपके साथ शेयर नहीं किया, लेकिन और आपने देखा भी होगा मीशो पर सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में यही टॉप चल रहा है, तो उस टाइम पर ये मैंने ख़रीदा था 240
248 250 में ही खरीदा था उस टाइम पे मैंने इसको, लेकिन अभी इसका प्राइस काफ़ी गिर गया है, आपको 170 में 180 में इजीली मिल जाएगी। एंड इसका फैब्रिक थोड़ा सा लाइलॉन टाइप का इसका फैब्रिक और स्ट्रेचेबल है। एक तो ये टर्टल नेक थी इसकी, टर्टल नेक्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और सबसे ज़्यादा जो मुझे इम्प्रेस करी इसकी स्लीव्स, जो यहाँ पे चुन्नटें लगी रहती है ना और ऐसे बलून टाइप की, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने इसको 166 रुपीज़ में 3 सेट, और अभी मैंने जाके चेक किया था तो 155, मतलब 10 रुपये कम हो गए। तो अगर आप बाय करना है तो आप बाय कर सकते हो, मतलब 150 रुपीज़ में 3 पैंटीज़ मिल रही हैं आपको, वो भी कॉटन की, और इतना अच्छा प्रिंट है इनका, इतना क्यूट सा, मैं आपको दिखाती होगी। तो फर्स्ट ये है पिंक कलर में, एंड इसकी इलास्टिक काफ़ी अच्छी है, और इस साइड में भी इलास्टिक लगी हुई है, और इनका जो ये वाला एरिया है ना काफ़ी वाइड है। सारे पैंटीज़ के आपने देखे होंगे बहुत ज़्यादा, मतलब छोटा सा आता है ये वाला एरिया, काफ़ी वाइड है ये, एंड डबल इस पर वो फैब्रिक लगा हुआ है, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है कॉटन का, और समर्स में तो यार हमें कॉटन के ही वेयर करने चाहिए, तो बहुत ज़्यादा प्यारा है, सॉफ्ट सा है। और सेकेंड ये है येलो कलर, आप देख सकते हैं कलर कितने ज़्यादा प्यारे प्यारे आए हैं, पिंक और ये येलो में है, सेम ऐसे ही जैसे इसकी इलास्टिक वैसे इसकी, इसका जैसे ये इसका फैब्रिक है वैसे इसका फैब्रिक है, और सेकंड है ये स्काई ब्लू कलर में। सो सारे ही कलर ठंडे ठंडे हैं, एक भी ऐसा नहीं है डार्क भटकीला चटकीला। तो हमारा लास्ट टॉप आता है जो कि मैंने अभी पहन रखा है, ये भी कल आया था और आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, तो ये इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, समर वाइब आ रही है इसको पहनने के बाद में, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हो इसका सबसे ज़्यादा जो मुझे एरिया अच्छा लगा ये नेक एरिया, काफ़ी ज़्यादा वाइड था, तो मैंने इसके अंदर स्पैगेटी पहन ली है, अगर स्पैगेटी पहनी है तभी ये मुझे अच्छे से फिट आया है, वरना स्पैगेटी ना पहनूँ तो ये पूरा एरिया दिखेगा इसलिए, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब क्रिस्प क्रॉस वाला इसका यहाँ से स्टाइल है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और सबसे ज़्यादा इसमें इलास्टिक लगी हुई है तो काफ़ी अच्छी फिटिंग लग रही है। एंड इसके स्लीव्स कुछ अम्ब्रेला स्टाइल में हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और ये जैसे ही कल आई तो मैंने सोचा आप इसके साथ मैं एक मेकअप लुक भी शूट कर दूँगी और एक हॉल भी शेयर कर दूँगी। तो इसका फैब्रिक भी लाइलॉन होता है ना, रेयॉन टाइप में है इसका फैब्रिक, एंड कम्फर्टेबल है बिल्कुल, ये ऐसा नहीं लग रहा है कि क्या पहन लिया, मतलब फील नहीं हो रहा कि क्या पहन रखा है, तो काफ़ी लाइट फैब्रिक है इसका, और प्रिंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, एंड इसमें आपको और भी ढेर सारे कलर्स मिल जाएंगे, एंड जितने भी प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाया ना सब में आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर मिल जाएंगे, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं। तो इसका प्राइस सबसे ज़्यादा सस्ता यही है, इसका प्राइस नहीं सस्ता नहीं है, हाँ सस्ता ही है, सबसे ज़्यादा 199 में मुझे मिला था कल ये, और आज इसका प्राइस कुछ ना कुछ तो गिर गया होगा, तो मैं आपको इसका कोड जो भी है आपको अगर प्रोवाइड करना हो तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये था आज का हॉल, आई होप आपको पसंद आया होगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।